ब्रजभूमि मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पारंपरिक रूप से मनाया गया। कोरोना के कारण भले ही भक्त इस बार मंदिरों में जाकर अपने आराध्य के दर्शन ना कर सके हों, लेकिन उनमें उल्लास और उमंग की कोई कमी नहीं रही। हजारों मंदिरों से लेकर घर द्वार तक भव्य रूप से सजाए गए। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अद्भुत छटा बिखरी। सुबह से रात तक घंटे घड़ियालों की ध्वनि के साथ नंदलाला के जय घोषों से ब्रज की धरा गूंजती रही। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, जो कि विष्णु के 8वें अवतार थे, उनका आज के दिन जन्मोत्सव मनाया जाता है। योगेश्वर कृष्ण के भागवत गीता के उपदेश अनादिकाल से जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते रहे हैं। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूरी आस्था व उल्लास के साथ मनाया जाता है। श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में जन्म लिया। इसीलिए भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, तभी से इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से सरोबार हो उठती है और इस जन्म उत्सव को मनाने के लिए देश विदेशों से लोग भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में आते हैं। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। जी, आज अजन्मे के जन्म का महापर्व मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के बीच में इस पर्व को किस तरीके से आयोजित किया जा रहा है, क्या व्यवस्था है मंदिर में? देखिए, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में ठाकुर जी की सेवा का जो स्वरूप है वह बाल स्वरूप है और ठाकुर जी के लाड़ लाने की प्रथा पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में है। तो अजन्मे का जो जन्म आप कह रहे हो, वह अजन्मे का जन्म बड़ी धूमधाम से ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में मनाया जा रहा है। जहाँ तक कोरोना वायरस की महामारी की बात आपने की, उस महामारी की वजह से जनमानस का और भक्तों का आना प्रवेश बंद है और इसी को देखते हुए हमारे मंदिर के गोस्वामी श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज और डॉक्टर बागीश कुमार जी महाराज ने यह निर्णय लिया कि इस बार भक्तों को दर्शन कराने के लिए आप लोगों के माध्यम से और विशेष करके दूरदर्शन के माध्यम से कि राजाधिराज के जितने भी भक्त हैं वो दर्शन से वंचित न रहें और उनको ठाकुर जी के दर्शन बड़ी अच्छी प्रकार से हो सकें। आज प्रातःकाल ठाकुर जी का पंचामृत हुआ, पंचामृत के बाद ठाकुर जी के भव्य श्रृंगार हुए और श्रृंगार के बाद राजभोग के दर्शन खुले और इसी प्रकार जागरण की झांकी और जन्म के दर्शन सभी पूरे दिन आज चलते रहेंगे और सभी कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मंदिर के प्रांगण में मनाए जा रहे हैं। बिना भक्तों के प्रभु के अवतरण की इस लीला को एक बार जीवंत किया जाएगा तो इसमें क्या कुछ कमी नज़र आ रही है? देखिए, भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है वो बड़ा गूढ़ है और भगवान भक्त के बस में है। भक्त जहाँ भगवान का आह्वान करेंगे भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आपके माध्यम से मैं भक्तों से भी ये कहना चाहूँगा, वे स्वस्थ रहें, घर में मस्त रहें और ठाकुर जी का जन्म अपने घरों में बड़ी धूमधाम से मनाएं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.